आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ग्रिल क्लब सैंडविच, जो बनाना बहुत ही आसान है और इन्हें बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं इब्राहिम किचन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन पेस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना सिखाई थी। उसके बाद चाहिए अंडे, मायनीज चाहिए, टमाटर चाहिए, सलाद पत्ता चाहिए, सैंडविच ब्रेड चाहिए हमें, उसके बाद चीज स्लाइस चाहिए हमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को टोस्ट करेंगे। हमारी टोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे और आपको कलर दिखाएंगे। सिर्फ इतना इतना लाइट लाइट ब्राउन करना आपने, ज्यादा ब्राउन नहीं करनी ब्रेड, सिर्फ लाइट ब्राउन रखनी है। तीन पीस हमने ब्रेड के टोस्ट करने हैं। जितनी देर ब्रेड टोस्ट हो रही है उतनी देर हम अंडा फ्राई कर लेंगे। आपका हल्का सा फ्राई हो जाए उसके ऊपर आपने चीज स्लाइस लगा देना। तीनों ब्रेड स्लाइस हमारे टोस्ट हो चुके हैं और आपने इसको एक दूसरे के ऊपर ऊपर नहीं रखना, आपने सेपरेट सेपरेट रखना है। अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसके बाद ब्रेड को मायनीज लगाएंगे हम। ऐसे ऐसे स्लाइस आपने काटने हैं टमाटर के, चार स्लाइस आपने टमाटर के काटने हैं। सलाद पत्ता लगाएंगे पहले ब्रेड के ऊपर। इस तरह से टमाटर रखेंगे। एक साइड पे हमने मायनीज लगा दी है, दूसरी साइड पे मायनीज लगाएंगे और इस तरीके से रखेंगे। अब पेस्ट लगाएंगे दूसरी ब्रेड पे, जो लास्ट वाली ब्रेड है, संकेत किस पेस्ट की लेयर लगाएंगे। अगर ज्यादा थिक हो तो हल्की सी मायनीज लगा लेंगे साथ। इसको साइड पे रख देंगे हम। अंडा और चीज स्लाइस हम ब्रेड के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे हम। ब्रेड को इस तरीके से काटेंगे हम, ज्यादा दबाना नहीं है ब्रेड को आपने। बिल्कुल आराम आराम से आपने ब्रेड को काटना है और नाइफ आपकी बिल्कुल तेज होनी चाहिए। इस तरीके से आपने चारों तरफ टूथपिक लगा देनी है ताकि इसके पीसेस जो है अलहदा अलहदा अच्छे तरीके से हो। इस तरीके से आपने ब्रेड को काटना है। रेडी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ कोई कोल्सला वगैरह, फ्राइज
या सैलड वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स करें ताकि हम वैसी रेसिपी लेकर आपके पास हाज़िर हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।